नमस्कार, मैं प्रिया। जो 28 अगस्त चल जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,28,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 1,860 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,28,850 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 84, अरवल में 5, औरंगाबाद में 67, बांका में 10, बेगूसराय में 123, भागलपुर में 128, भोजपुर में 29, बक्सर में 26, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 70, गया में 97, गोपालगंज में 58, जमुई में 18, जहानाबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 65, खगड़िया में 3, किशनगंज में 24, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 31, मुंगेर में 7, नालंदा में 30, नवादा में 15, पटना में 296, पूर्णिया में 75, रोहतास में 54, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 31, सारण में 37, शेखपुरा में 11, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 9, सुपौल में 61, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 30 है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,09,696 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 662 लोगों की जान जा चुकी है। 16 साल पहले रास्ता भटककर पाकिस्तान पहुंचे नवादा के रामचंद्र की बीते दिन हुई घर वापसी। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के भवानी बीघा गांव में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रामचंद्र यादव के लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में गांव लौटने की खुशी सभी के चेहरे पर है। 16 साल पहले गांव से गायब हुए रामचंद्र यादव सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गए थे और वहीं पर रह रहे थे, लेकिन लंबे अरसे बाद बीते दिन रामचंद्र घर वापस लौट आए हैं। 19 अगस्त को पाक रेंजर्स ने उन्हें BSF की 79वें बटालियन को सौंप दिया है और बीते दिन परिजन उन्हें लेकर नवादा पहुंच चुके हैं। अब बिना BA डिग्री के बन सकेंगे शिक्षक अधिकारी। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम फैसले ले चुकी है। राज्य सरकार ने अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए BEd की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में बदलाव कर दिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को BEd करना अनिवार्य नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में विभागीय सूचना जारी कर दी है। बिहार में भू स्वामियों की सुविधा के लिए शुरू हुई नई सेवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ऑनलाइन भू दखल कब्जा प्रमाण पत्र सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसे अचल कार्यालय में ऑनलाइन LPC निर्गत करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने धारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था भी शुरू कर दी है। अंचल कार्यालय स्तर के ऑनलाइन LPC निर्गत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी। राज्य में संचालित बैंकिंग सेक्टर में उच्च अधिकारियों के द्वारा BLBC प्रारूप निर्गत किए जाने की तरफ ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है। नीट और JEE मेंस परीक्षा को लेकर आनंद कुमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया। नीट और JEE मेंस की परीक्षा को लेकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार को दोबारा विचार करने की नसीहत दी है। आनंद कुमार से जब पूछा गया कि परीक्षा को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने यह कहा है कि बहुत दिनों से अनिश्चितता बनी हुई थी, तो परीक्षा की घोषणा करके सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इन सब के बीच में हम शिक्षकों की गुजारिश है कि सरकार इसकी तारीख पर फिर से विचार करे। परीक्षा को लेकर छात्रों पर दबाव बन रहा है। बहुत से माता पिता परीक्षा को लेकर अपने छात्र पर दबाव बना रहे हैं। कोविड-19 के माहौल में छात्रों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मियों के कामकाज की समीक्षा करने की कही बात। बिहार में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहत विभाग की तरफ से आदेश जारी करके कहा गया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों की काम की समीक्षा करवानी शुरू होगी, जिसके तहत सिपाही से लेकर DSP तक 50 की उम्र पूरी करने वाले पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि अगर वो अपने काम में दक्ष नहीं पाए जाते हैं तो उनके सेवा पर विचार किया जा सकता है। ऐसे कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भी पहल की जाएगी। विभाग की तरफ से सभी जिलों के SP और DSP को पत्र देकर इस बात की जानकारी दे दी गई है। साथ ही ऐसे कर्मियों की सूची भेजने को कहा गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सपने में आने का किया दावा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच के बीच एक मीडिया हाउस ने बीते दिन रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मई के बीच में सुशांत सिंह राजपूत कुर्ग शिफ्ट होना चाहते थे और वो वहां जाकर खेती करना चाहते थे। हम दोनों का मानना था कि एक साल में इस तरह से एक फिल्म तो कर ही सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुशांत मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के बारे में सच बोलो, इसलिए मैंने आज का दिन मीडिया के सामने बात करने के लिए चुना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले जीतन राम मांझी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारे में लगातार दल बदल की राजनीति देखने में मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन राजद को अलविदा कहने वाले जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद लगभग यह माना जा रहा है कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी एनडीए के साथ गठबंधन में आने वाले हैं। हालांकि अब दोनों पार्टियों ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो इस महीने के अंत तक अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात ने कयासों के बाजार फिर से खोल दिए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय नेपाली गायक है। वो नेपाल और भारत में एक प्रख्यात गायक के रूप में जाने जाते हैं। नेपाली फिल्म में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और बॉलीवुड की दुनिया में तो हर कोई उनकी आवाज का कायल है। उदित नारायण को उनके गायन के लिए 3 देशीय पुरस्कार तथा 5 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। बॉलीवुड में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाले उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना मोहम्मद रफी के साथ गाया था। उदित नारायण की मातृभाषा मैथिली और वो बिहार में मिथिलांचल इलाके से आते हैं, जिससे कि नेपाल और भारत के बीच बेटी और रोटी का संबंध कहा जाता है। उसी तरह उनका ननिहाल भारत के बिहार राज्य में है। मधुबनी के अविनाश की पेंटिंग नटराज की लगी बोली। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हर बार इसका प्रमाण बिहार के कोने कोने में देखने को मिलता है। वहीं अब अगस्त 2020 के फॉक्स एंड ट्राइबल आर्ट के नीलामी का परिणाम आते ही देश भर में बिहार की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। सेफरनेट की स्टोरी लिमिटेड ने नो रिवर्स ऑक्शन में मधुबनी शैली के कलाकार अविनाश करण की पेंटिंग नटराज पर 2,48,000 की बोली लगाई है। इसके साथ ही 6 साल में पहली बार मिथिला ने सबसे कीमती बिकने वाले लोक कला शैली में प्रथम पायदान हासिल किया था। अनलॉक उल्लंघन मामले में बिहार पुलिस ने वसूले 4 करोड़ से ज्यादा रुपए। बिहार में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 3 को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को वाहन चेकिंग मुहिम चलाने का निर्देश जारी किया था, जिसके बाद 1 अगस्त से अब तक कुल मिलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 1,29,487 लोगों पर सख्ती दिखाई गई है, जिसके बाद अब तक 64,74,350 रुपए फाइन के रूप में लिए जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने एडीजी जितेंद्र कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक 4,68,21,870 रुपए की वसूली जा चुकी है। बिहार से दूरी के सवाल पर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधी चुप्पी। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह काफी दिनों बाद फिर से पटना में देखे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन गिरिराज सिंह कोविड-19 के माहौल के बीच पटना पहुंचे थे। हालांकि पटना पहुंचकर वो मीडिया से सवालों से बचते नजर आए। हमेशा अपनी बातों के लिए सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह बीते दिन एयरपोर्ट पर चुपचाप मीडिया से नजर बचाते पाए गए। हालांकि उन्होंने जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर कहा कि चुनाव के वक्त राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, यह आम बात है। रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर शेयर की एक वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अहम संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती ने अब अपनी जान को लेकर एक वीडियो वितरण सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने साथ साथ परिवार को भी मीडिया से नुकसान पहुंचाने की बात कही है और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। रिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि यह मेरी बिल्डिंग कंपाउंड के अंदर का वीडियो है। इस वीडियो में जो आदमी है वो मेरे पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं। हम सीबीआई और विभिन्न जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अनुरोध करती हूं कि कृपया सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम इस जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर सके। प्राथमिक शिक्षा विभाग को मिला ISO सर्टिफिकेट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जिसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार की प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहद ही बड़ा दिन है, हमारे अच्छे काम की सराहना हुई है, इसके लिए अवार्ड भी दिया गया है। पिछले 8 महीने में लगातार विभाग की मॉनिटरिंग हो रही थी, इसके बाद क्वालिटी वर्क के लिए यह अवार्ड दिया गया है। उन्होंने आगे बताया है कि इस उपाधि के मिलने के बाद एक भी शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल नहीं होंगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। पटना सहित 5 जिलों की योजनाओं के लिए मिली मंजूरी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बीते दिन राजधानी के पूर्वी भाग में कंगन घाट के पटना घाट के बीच गंगा नदी के किनारे संपर्क पथ के निर्माण के लिए लगभग 10 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस योजना के लिए 31.22 करोड़ सहित राज्य के 5 जिलों में 9 योजनाओं के लिए 55.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नंदकिशोर यादव के अनुसार विभाग में पहुंचे हैं लेकिन योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे पटना की 4 योजनाएं शामिल है।
नेताओं के हवाई दौरे पर आयोग की होगी अब नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के नेताओं के माध्यम से किए जाने वाले कार्य पर अब चुनाव आयोग नजर रखेगा। इसके लिए चुनाव के दौरान नेताओं के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के खर्चे की मॉनिटरिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने देश के तकरीबन 100 विमान कंपनियों से रेट लिस्ट की मांग की है। इस रेट लिस्ट के सहारे आयोग उम्मीदवारों और दलों के स्टार प्रचारकों के हवाई उड़ान का हिसाब रखेगा। आयोग ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर परमिट होल्डर विमान कंपनियों से रिपोर्ट की मांग की है। अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपाल मीणा ने इस संबंध में 97 विमान कंपनियों को रेट लिस्ट देने के लिए निर्देश दिया है। पटना में मास्क नहीं पहनने वालों पर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती। राजधानी पटना में मास्क नहीं पहनने वाले लोग अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद सख्ती के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब लोग पर सख्ती दिखाते हुए जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में मास्क नहीं पहनने वालों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने खुद बीते दिन निकलकर मास्क नहीं पहनने वालों से वसूली की है। तेजस्वी यादव ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। तेजस्वी यादव के निजी सहायक संजय यादव कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इस खबर के बाद राजद में खलबली मच गई है। निजी सहायक संजय यादव के संक्रमित होने के बाद सुनने के बाद तेजस्वी यादव खुद भी अब होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। एहतियात के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। बुधवार को वो अपने निजी सहायक के साथ दिल्ली से वापस लौटे थे। कुशवाहा को तरजीह नहीं दे रही है राजद और कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कई सारी बातें सुनने में आ रही है। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी महागठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, और यही कारण है कि अब उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीट बंटवारे को लेकर गुहार लगानी पड़ी है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने इस दुख को जाहिर करते हुए कहा कि गठबंधन में अभी कोई बात पर स्पष्टता नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद यादव को खुद अब सामने आकर बातों पर स्थिति साफ करने की जरूरत है। अब वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने की अपने पिता से मुलाकात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारे में कई उठापटक देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे थे, जहां पहुंचकर दोनों ने मुलाकात की है। साथ ही इस बैठक के बाद तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू के लिए दिए गए बयान को भी वापस ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया है और यह भी कहा है कि हमसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उनसे बातचीत हो गई है, हमारी लगातार उनसे बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन राजद पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कई घोटालों में सलाखों के पीछे चल रहे लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाले हैं, लेकिन अब राजद प्रमुख और पिता दोनों जगह से वो शक्तिहीन हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एक बेटे ने उनके करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह को आहत करते हुए दूसरे दल के बाहुबली नेता को पार्टी में लाने की डील फाइनल कर ली, लेकिन पूछने के लिए अभिभावक रहे हैं। वहीं दूसरे बेटे ने उन्हें एक लोटा पानी बता दिया। अगर कोई करे तो क्या करे, उसे केवल परिवार के बाहर के लोगों पर सख्ती दिखाने का अधिकार है क्या। 5 से 11 सितंबर तक रालोसपा ने शिक्षा सुधार सप्ताह बनाने का किया ऐलान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रालोसपा ने 5 से 11 सितंबर तक शिक्षा सुधार सप्ताह बनाने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके तहत रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ऐसे में इसको लेकर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है और यह तभी संभव होगा जब खुद राजद सुप्रीमो इसमें हस्तक्षेप करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जीतनराम मांझी के महागठबंधन से अलग होने पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। बिहार में सीट शेयरिंग पर देरी हो रही है, जिसका बुरा प्रभाव महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। बिहार में जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी अरबों रुपए से परियोजना का उद्घाटन का किया गया ऐलान। बिहार में चुनावी साल में 3-4 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर विभाग और विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन लगातार कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जलापूर्ति और सीवर से जुड़े अरबों रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। यह परियोजना केंद्र की नमामि गंगे और अमृतम योजना से जुड़ी हुई है। पटना के बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल है। पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को बताया सबसे खास। भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धोनी क्षेत्र में बेवन से भी एक कदम आगे हैं। आपको बता दें, फिनिशिंग के मामले में धोनी के बाद जिस दूसरे खिलाड़ी का नाम अक्सर सुनने में आता है वो है ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन। उन्हीं को लेकर आरपी ने उक्त बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि माही ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। हमेशा 5वें-6वें नंबर पर आते थे ताकि बल्लेबाजी के तौर पर टीम पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। अगर आप इस खेल के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो धोनी के जैसा कोई खिलाड़ी अब तक नहीं आया है। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से कई उपाधियों को दर्ज किया है। इसके साथ ही बेवन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि धोनी सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी है।
टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने पद से दिया इस्तीफा। टिकटॉक काफी समय से चर्चा में है और अब मिली जानकारी के अनुसार टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने पद संभालने के 3 महीने बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केविन मेयर ने इसी साल मई के डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख का पद त्यागने के बाद 1 जून को बाइट डांस के स्वामित्व वाले ऐप टिकटॉक को ज्वाइन किया था। मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार जनरल मैनेजर विनीसा पपाज को तत्काल प्रभाव से उनकी जगह कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिंटू कुमार, सोनू कुमार, आलोक कुमार, प्रहलाद जोशी, शिवांगी कुमारी, प्रज्ञा ठाकुर, जूही कुमारी, ऋतिका सिंह, राजू कुमार, ललन सिंह, रवि कुमार, शंकर मुखिया, दिव्यांशु कुमारी, दीपक कुमार, निधि कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले आप सभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।